ऐसे वाले क्वेश्चन केवल आप 3 स्टेप में कंप्लीट करने वाले हो। वीडियो को एंड तक देखना जरूर है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन की वीडियो आज आपने देख ली तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। डबल साइन वाले जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना होगा कि जब आपके पास एक जैसे साइन हो, मतलब जैसे यहाँ पे प्लस प्लस आ गया, माइनस माइनस आ गया, माइनस प्लस आ गया, प्लस माइनस आ गया, माइनस प्लस आ गया, इस तरीके से आपको साइन मिले, मतलब एक जैसे मिलने चाहिए आपको, या तो प्लस प्लस होने चाहिए नंबर के साथ या माइनस माइनस के साइन होने चाहिए नंबर के साथ। तो हमेशा वहाँ पे क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है, प्लस किया जाता है, जोड़ किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। यदि अलग अलग साइन हो नंबर के साथ, पहला साइन माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, या पहला प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, तो हमेशा माइनस की जाएगी, मतलब सब्ट्रैक्शन की जाएगी। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी, समझ में आ गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि पहला जब हम सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले हमें साइन को देखना होगा, पहले हमें साइन को देखना होगा, उसके बाद हमने सॉल्व करना होगा नंबर को अकॉर्डिंग टू साइन, अकॉर्डिंग टू साइन, साइन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा, और लास्ट में बिग नंबर साइन लगाना होगा। ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा साइन को देखो, हमने साइन देखे यहाँ पे, दोनों साइन कैसे हैं यहाँ पे, दोनों साइन सेम है, मतलब एक जैसे साइन है, तो क्या करना हमें, एडिशन। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 2 और 3 कितना होता है, 5, तो मैंने यहाँ पे 2 और 3 5 कर दिया। मैंने दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर दिया, सॉल्व द नंबर अकॉर्डिंग टू साइन, साइन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद साइन, साइन कौन सा लगेगा यहाँ पे, साइन बिग नंबर, बिग नंबर साइन, आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा। ये इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन करने वाला हूँ। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में वही सेम, पहला स्टेप देखना होगा साइन को, साइन देखा आपने यहाँ पे, माइनस माइनस मतलब दो साइन सेम आ गए, मतलब एक जैसा साइन है, तो क्या करना होगा, एडिशन। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 6 और 5 कितना होता है, 11 हो गया, ये 11 आ गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, बिग नंबर साइन, बिग नंबर साइन, बिग नंबर साइन मतलब 6, 6 का साइन कौन सा, माइनस का, ये माइनस का आ गया, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ज़्यादा लिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले साइन देखना है, सबसे पहले हमें क्या देखना, साइन। मैंने देखा यहाँ पे दोनों साइन यहाँ पे अलग अलग हैं, तो मैंने देखा यहाँ पे अलग अलग साइन जो होते हैं, तो माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम इनको माइनस कर देते हैं, 11 में से 8 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमने सॉल्व भी कर दिया नंबर के अकॉर्डिंग, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन को लगाना है, बिग नंबर साइन, ठीक है, बिग नंबर साइन, बड़ा नंबर कौन सा, 11, 11 का एक साइन प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, अब आपने देखा यहाँ पे, ये यहाँ पे साइन को देखा, दो साइन कैसे यहाँ पे अलग अलग, तो इनको माइनस कर देते हैं, माइनस करोगे तो 18 में से 13 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, बिग नंबर साइन, बिग नंबर साइन लास्ट में लगाना है, ये भी ध्यान रखना, बड़ा नंबर कौन सा, 18, 18 का आ गया माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया, ये आ गया। इसी तरीके से लास्ट आपका एग्जाम्पल रह गया, उसको और कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइन कैसे यहाँ पे अलग अलग है, तो क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, बिग नंबर साइन, बिग नंबर कौन सा है यहाँ पे, 10, 10 का साइन प्लस का, तो प्लस का साइन आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो आसानी से इस क्वेश्चन वाले। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ गुना और भाग। जब आपको दो साइन दिए जाए तो गुना भाग कैसे करना है, करनी है हमको, ठीक है। और साइन भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि साइन को आपको लगाना कैसे है। ध्यान दीजिए, आपको यही दो बातें ध्यान रखनी होगी, समझ में आ गई, यही दो बातें ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पे साइन लगाना है, क्या लगाना है, साइन लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, जब एक एक जैसे साइन आपको दिखाई दे कहीं भी, तो दो साइन सेम हो, एक जैसे साइन दिखाई दे, ठीक है, तो हमेशा वहाँ पर प्लस का साइन लगाओगे, और जहाँ पर अलग अलग साइन दिखाई दे वहाँ पर क्या लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे, समझ में आ गया। अब जैसे हमारे पास पहला हमें स्टेप हमें फॉलो करना है, साइन लगाना है, साइन लगाओ, उसके बाद हमें नंबर को सॉल्व करना है। इसमें से बिग नंबर साइन हट चुका है, बिग नंबर साइन नहीं लगाना आपको, ये ध्यान रखना। अब देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो साइन को देखना, सबसे पहले हम साइन को देख लेते हैं,
साइन हमने देखा यहाँ पे, दोनों साइन कैसे यहाँ पे एक जैसे, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, तो जब एक जैसे साइन आ जाते साइन कौन सा लगता है, प्लस का लगता है। तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद क्या करना है, सॉल्व द नंबर। अब इसके बाद मैं नंबर को सॉल्व करता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 4 जो कितना होता है 24, तो ये मैंने 24 ये लिखा। ये सवाल इसका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट को करते हैं, हम सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमें साइन देखना है, साइन देखना है। साइन देखोगे आप यहाँ पे, दोनों साइन कैसे यहाँ पे एक जैसे साइन है, एक जैसे साइन है, तो साइन कौन सा आएगा यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे एक जैसे साइन होते हैं तो कौन सा साइन आता है, प्लस का। तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन ये लगा दिया। अब इसको क्या करना है, हमें नंबर को सॉल्व करना है। नंबर को सॉल्व करोगे 2 6 जा कितना होता है 12 होता है, तो ये हमने 12 लिख दिया। ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो साइन कैसे आ गए यहाँ पे, दो साइन आपने देखा है यहाँ पे, जब दो साइन अलग अलग आते हैं तो साइन कौन सा लगाया जाता है, माइनस का। अब यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। ये मैंने माइनस का साइन लगाया और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 12 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दो साइन यहाँ पे भी अलग अलग है, तो साइन कौन सा आएगा अलग अलग है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। ये माइनस का साइन लगा दिया। इसके बाद 9 5 जा कितना होता है 45, तो ये हमने 45 ये लिखा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी आपके डाउट थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना फॉलो कीजिए, उतना शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।